गर्म अंतर ले लें, हाथ से दूर रखें। चौथा आसन हम करने जा रहे हैं लेटरल बेंड, परिस्थिति चक्रासन, अस्थमा, दमे की शिकायत, सांस का फूलना, अपने आप को अशक्त महसूस करना। उम्र के बढ़ने के साथ में लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे शरीर की ताकत कम हो रही है, लेकिन दिस आसन विल हेल्प यू टू मेंटेन योर विगर एंड वाइटलिटी ऑफ द बॉडी। दोनों बाहें कंधों की लाइन में ले आएं, पैरों में कंफर्ट डिस्टेंस रखें, आंखों के आगे सेमी सर्कल बनाएं और अपनी दाहिनी ओर टर्न हो जाएं। दाएं हाथ दाएं कंधा ढीला कर दें, जैसा बता रहा हूं जितना बता रहा हूं उतना ही करें। दाएं हाथ दाएं कंधा ढीला कर दें, बाईं थरी को पहले अंदर की तरफ लें और अब एल्बो से बांह को सीधा रखते हुए जितना हो सके बांह को कान के नजदीक लाने की कोशिश करें। और अब आसन के अंत में आंखें बंद कर लें, दाहिनी तरफ झुके हुए तो दायां हाथ दायां कंधा और गर्दन और भी ढीली कर दें। और भी ढीली करने से आपकी बांह जो सीधी है लेकिन स्ट्रेच बढ़ता है रिब मसल्स के पास में। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें तो कम बैक स्लोली, आंखें खोलें, दोनों बाहें फिर से कंधों की लाइन में ले आए। नाउ गो ऑन द अपोजिट साइड, बायां हाथ बायां कंधा ढीला करें, दाहिनी हथेली अंदर की तरफ, बांह सीधी, एल्बो स्ट्रेट। आसन के अंत में आंखें बंद करें, बाएं हाथ कंधे और गर्दन को और भी ढीला कर दें, गर्दन को और नीचे की तरफ ले जाएं। बांह भले नहीं टच हो रही है, थोड़ी अलग हो जाती है तो भी चलेगा उसमें, लेकिन जो बताया जा रहा है वो करें टू हैव द ऑप्टिमम बेनिफिट ऑफ दिस पोस्चर। टू कम बैक स्लोली, आंखें खोलें, दोनों बाहें फिर से कंधों की लाइन में और बाहों को नीचे ले आए।